रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। मेरठ 10 फीट लंबे अजगर से लड़ गई सेना की शेरनी। वन विभाग भी हैरान। सईदा के घर के पीछे पिछले 2-3 महीनों से अजगर दिखाई दे रहा था। सईदा व उनके परिवार वालों ने वन विभाग को अजगर के होने की दी जानकारी। वन विभाग की टीम नहीं पहुंची तो सईदा ने पकड़ा 10 फीट लंबा अजगर। मेरठ के मवाना क्षेत्र के सीना गांव में रहने वाली एक महिला 10 फीट लंबे अजगर को पकड़कर एक नई मिसाल पेश की है। सईदा नाम की महिला ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए पुरुषों की बोलती बंद कर दी। सईदा खातून ने 10 फीट लंबा अजगर पकड़ा है। सईदा ने जब अपने छोटे छोटे बच्चों को दहशत में देखा तो अपनी जान की परवाह किए बिना ही अजगर से भीड़ गई। उसने अजगर को बोरे में बंद कर लिया। अब गांव में उसकी हर जगह चर्चा हो रही है। जानकारी के मुताबिक मेरठ देहात के मवाना क्षेत्र में पड़ने वाले गांव सीना में सईदा के घर के पास पिछले 2-3 महीनों से अजगर दिखाई दे रहा था। यह अजगर कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 10 फीट लंबा था। इस बात की शिकायत महिला ने कई बार विभागीय अधिकारी से भी की लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। आखिरकार अपने बच्चों को दहशत में देख महिला को यह कदम खुद उठाना पड़ा। गुरुवार को घर की छत से बच्चों ने एक बार फिर जब अजगर को देखा तो उन्होंने सईदा को बताया। ये भी पढ़े, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने माता सीता पर दिया विवादित बयान। ये भी पढ़े, हरिद्वार सिटी बजाकर गंगा संरक्षण के लिए लोगों को किया जा रहा जागरूक। सईदा व उसके परिवार वालों ने फिर वन विभाग को अजगर के होने की जानकारी दी लेकिन घंटों तक वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। इसी बीच वहां पर ग्रामीणों की भीड़ लगनी शुरू हो गई, जिस पर सईदा ने स्वयं ही अजगर को पकड़ने की ठानी ली। अजगर पकड़ने के लिए महिला एक बड़ा बोरा लेकर परिवार के सदस्यों के साथ घर के पीछे पहुंच गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद अजगर को पूंछ से पकड़कर उसे बिल से बाहर निकाला तथा बोरे में बंद कर दिया। सईदा की इस बहादुरी को देखकर गांव वालों ने सीना की शेरनी कहते हुए उसकी बहादुरी की खूब प्रशंसा की। वहीं अजगर के पकड़े जाने के बाद वन विभाग की टीम पहुंची तथा बोरे में बंद अजगर को अपने कब्जे में ले लिया।